फांसी के फंदे बिहार के बक्सर जेल में ही क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी जो शायद आपको पता ना हो। भारतीय कानून के अनुसार फांसी किस अपराध की सजा है? जवाब होगा कि क्रूरतम और जघन्यतम अपराधों के लिए विरल में विरले मिलने वाली सजा है फांसी। जिस तरह फांसी की सजा विरले ही किसी को मिलती है, उसी तरह फांसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फंदा पूरे देश में केवल एक ही जगह बनता है। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से लेकर मुंबई बम धमाकों के दोषी अजमल कसाब, संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु और निर्भया के चारों दोषियों की दी गई सभी फांसियों में इस्तेमाल किए जाने वाले फंदे बक्सर के सेंट्रल जेल में बनाए गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर बार फांसी के फंदे बक्सर सेंट्रल जेल में क्यों बनाए जाते हैं? क्या कहीं और ऐसे फंदे नहीं बनाए जा सकते? इंडियन फैक्ट्री लॉ के हिसाब से बक्सर सेंट्रल जेल को छोड़कर बाकी सभी दूसरी जगहों पर फांसी के फंदे बनाने पर प्रतिबंध है। पूरे भारत में इसके लिए केवल एक ही जगह पर मशीन लगाई गई है और वो सेंट्रल जेल बक्सर में है, और ये आज नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनता है फांसी का फंदा। फांसी का फंदा बनाने के लिए जिस सूत का इस्तेमाल होता है उसका नाम J34 है। ये मुख्य रूप से हाथ का काम है, मशीन से केवल धागों को लपेटने का काम होता है। 154 सूत का एक लट बनाया जाता है, 6 लट बनते हैं। इन लटों से 7200 धागे या रेशे निकलते हैं। इन सभी धागों को मिलाकर 16 फीट लंबी रस्सी बनती है। सवाल ये है कि कब से बन रहे हैं फंदे? फांसी के फंदों का इतिहास बड़ा रोचक है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि पहले के समय फांसी के फंदे जिस रस्सी से बनाए जाते हैं वो फिलीपींस की राजधानी मनीला से आती थी, इसलिए इसका एक नाम मनीला रस्सी भी पड़ा। 1880 में बक्सर सेंट्रल जेल की स्थापना हुई थी। शायद उसी समय अंग्रेजों ने यहाँ फांसी का फंदा बनाने वाली मशीन लगाई थी, क्योंकि जेल से गंगा नदी सटी थी। साथ ही बक्सर जेल उस वक्त और आज भी देश के गिने चुने जेलों में से है जहाँ कुआं है। कुआं और नदी का होना बताता है कि यहाँ पानी का सबसे बेहतर प्रबंध था। ये भी वजह हो सकती है कि रस्सियों को भिगोने और नम करने के लिए बक्सर सेंट्रल जेल में ही फांसी के फंदे बनाए गए। एक कैदी के लिए फांसी का फंदा बनाना अपनी सजा को कम कराना भी है। आखिर में क्या आपको पता है कि एक फांसी के फंदे की कीमत कितनी होती है? पिछली बार जो फंदे बनाए गए थे उसकी कीमत 1725 रुपये लगाई गई, पर अभी महंगाई बढ़ी है। धागे और सूत के दाम तो बढ़ गए हैं, साथ ही जो पीतल का बुश गर्दन में फंसाने के लिए लगाया जाता है उसका भी दाम बढ़ गया है। अब इसकी कीमत 2120 रुपये हो गई है।